अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट के हवाले से। ये टेस्ट जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है और इसको जो है अगर हमने एसपीएसएस के ऊपर जो है परफॉर्म करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेस्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसका मकसद क्या है इसको रन करने का जो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन सैंपली टेस्ट। बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हम अपनी सैंपल के मीन को कंपेयर करना चाहते हैं पॉपुलेशन के मीन के साथ जो है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो सिर्फ सैंपल की होती है और पॉपुलेशन जो है उसका जस्ट हमारे पास मीन अवेलेबल होता है, लेकिन कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन के हवाले से वो अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि पॉपुलेशन का सारा डाटा हमारे पास मौजूद नहीं होता है। और ये यूजुअली टेस्ट तब यूज़ किया जाता है जब हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि अगर जो करंट सेट ऑफ डाटा जो सैंपल हमारे पास अवेलेबल है क्या उसमें एक लंबे अरसे तक कोई चेंज आया है या नहीं आया है। यानी कि अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं करंट ईयर के टेम्परेचर को हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ टू डिटरमिन इफ ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग और नॉट, जो है आज का टेम्परेचर क्या है, क्या हिस्टोरिकली टेम्परेचर में जो उसकी एवरेज है उसमें कोई तब्दीली हुई है या नहीं हुई है। तो हम अपने जो सैम्पल मीन है जो आज का टेम्परेचर है उसका डाटा हम लेंगे और उसको जो हिस्टोरिकल एवरेज रही है तमाम डाटा की उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी अजम्पशंस की। तो वन सैंपल टेस्ट जो है रन करने से पहले हमें किन जो है अजम्पशंस का जो है वो ख्याल रखना है। सो अजम्पशंस की बात कर लेते हैं तो इन ऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, क्योंकि वन सैंपल टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो सर्टेन करेक्टरिस्टिक होते हैं डेटा के जो हमें देखने होते हैं कि क्या उसमें मौजूद है या नहीं है, और इनको हम अजम्पशंस भी कहते हैं। इन अजम्पशंस की जो वायलेशन होती है ये हमें लीड कर सकती है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की तरफ जो है, अगर हम वायलेट करते हैं बेसिक अजम्पशंस को जो है। सो हम देख लेते हैं कि वन सैंपल टेस्ट को रन करने से पहले हमें किन अजम्पशंस की जरूरत है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वन सैंपल टेस्ट में हमारे पास जस्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या पॉपुलेशन जो मीन होता है वो हम कैलकुलेट नहीं खुद से कर रहे होते, बल्कि हमें कोई सम टाइम कोई इदारा दे देता है या अवेलेबल जो डेटा होते हैं वहाँ से हम उसको हासिल कर लेते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ होती है वो जो सैम्पल होता है और उसी का जो है वो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को ही जो है चेक करना है कि क्या वो डेटा जो है जो स्कोर्स है जो हमारे पास अवेलेबल है वो नॉर्मल है या नहीं है। सो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करते हैं। टी टेस्ट जो है इसके बारे में कहा जाता है वन सैंपल टेस्ट जो रॉबस्ट है और ये वायलेशंस ऑफ अजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल कर सकता है, बट स्टिल जो है हम ये देखें हमें ये चाहिए कि हम जो है नॉर्मेलिटी को वो फॉलो करें और देखें कि डाटा हमारा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें चेक करनी है वो है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दिस अजम्पशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय डिजाइनिंग योर स्टडी सो द पार्टिसिपेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर इन एनी वे। इसका कोई प्रोसीजर जो है एसपीएसएस में नहीं है। अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी को टेस्ट करने का प्रोसीजर एसपीएसएस में है, लेकिन ऑब्जर्वेशन को चेक करना कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है इसका प्रोसीजर नहीं है। इसको हमने इंश्योर करना होता है जब हम अपना डाटा जो है कलेक्ट करवा रहे होते हैं लोगों से, उस वक्त ये जो स्टडी को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त हमने इंश्योर करना है कि लोग जो है उसको प्रॉपरली जो है वो फिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे से वो पूछ के उसको फिल नहीं कर रहे हैं। तो एक पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है अपने क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हो। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट लेवल जो डिपेंडेंट वेरिएबल का है कि हम जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम किस लेवल के ऊपर मेजर करेंगे, तो वो हमारे पास इंटरवल या रेशियो स्केल के ऊपर उसको मेजर किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल में एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक लीडिंग अकाउंटिंग फर्म ने उनको हायर किया है, जो ये देखना चाहते हैं इफ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक एट द फर्म वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल एवरेज ऑफ 52 आवर्स पर अकाउंटेंट्स। जो है नेशनल लेवल के ऊपर जो वर्किंग आवर्स हैं वो एक वीक के अंदर 52 हैं अकाउंटेंट्स के लिए। तो एक जो अकाउंटिंग फर्म है वो ये देखना चाह रही है थ्रू ए साइकोलॉजिस्ट जो है कि क्या उनके यहाँ जो है जो एवरेज वर्क वर्क पर वीक है क्या वो भी इतनी ही है या इससे डिफरेंट है। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट रैंडमली सैंपल 16 पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिविजन्स विद इन द फर्म एंड रिकॉर्डेड द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क पर वीक ओवर अ 3 month पीरियड। सो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रैंडमली 16 लोगों को सिलेक्ट किया और डिफरेंट डिविजन्स जो थे फर्म के उसमें से उनको सिलेक्ट करके उनसे 3 month के दौरान जो है पर वीक उनका डेटा कलेक्शन की गई कि कितने आवर्स के लिए वो काम करते हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक है जो कि 16 पीपल जो हैं वो पर वीक जो है वो वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर जो है तो हमारे पास जो 52 आवर्स पर अकाउंटेंट है जो नेशनल एवरेज है ये हमारे पास बेसिकली पॉपुलेशन मीन है और जबकि हमारे पास 16% जो हैं ये हमारे पास वो सैंपल है जिसका मीन हम कलेक्ट करेंगे कि वो वीक में कितना जो है वो देर के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट अब कुछ हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है और रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किया है उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक एट द लीडिंग अकाउंटिंग फर्म इज इक्वल टू द नेशनल एवरेज ऑफ 52 आवर्स। नल हाइपोथेसिस में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग जो कि अकाउंटिंग फर्म के अंदर काम कर रहे हैं वो उतने ही घंटे काम करते हैं एक वीक के अंदर जितने के नेशनल एवरेज है जो कि 52 आवर्स की है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा डेफिनेटली वो इसके उल्ट होगा और इसमें हम ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक एट द लीडिंग काउंटिंग फर्म इज नॉट इक्वल टू द नेशनल एवरेज ऑफ 52 आवर्स। सो इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे लीडिंग काउंटिंग फर्म है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल नहीं है नेशनल एवरेज ऑफ 52 आवर्स। माइट बी वो 52 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे होंगे या लेस काम कर रहे होंगे। सो इन केस अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो फिर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अप्रूव होगा। अगर हमारे पास वो लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना के जो है नेशनल एवरेज है और उसमें कोई डिफरेंस अगर नहीं होगा तो फिर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो अप्रूव होगा। सो यहीं पे रिसर्च क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रिसर्च क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि इज द नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक फॉर एम्प्लॉयज एट अ लीडिंग अकाउंटिंग फर्म डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल एवरेज ऑफ 52 आवर्स। सो यहाँ पे भी हम वही चीज नल हाइपोथेसिस को हमने रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन किया है। या आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन से आप हाइपोथेसिस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो हम इसको जरा जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है जो 16% से डाटा लिया गया था अकाउंटिंग फर्म के अंदर उस डाटा को अब हम जो है एसपीएसएस के अंदर रन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एसपीएसएस के ऊपर जो है।